Fiverr.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक तरफ भारत दुनिया में दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से रिकवरी के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। पहले बात देश में जारी कोरोना संक्रमण की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 93,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 1,000 से ज़्यादा जाने गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 53,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अभी तक 42,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 10,00,000 से ज़्यादा है। कोरोना से कुल 85,619 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच बड़ी राहत रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या से है। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है, मतलब अमेरिका से भी आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना से ठीक हुए मरीजों के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत में 42,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। यह खबर लगातार बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी जरूर है। अब बात करते हैं भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की। भारत की दो स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन के बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में भारत बायोटेक के ICMR के साथ मिलकर तैयार की जा रही वैक्सीन के नतीजे ठीक हैं। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड भी वैक्सीन विकसित कर रहा है। दोनों वैक्सीन के प्रतिरक्षा क्षमता का परीक्षण चल रहा है। अगर COVID-19 के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल सफल होते हैं तो 2021 की पहली तिमाही में एक असरदार वैक्सीन उपलब्ध हो सकता है। भारत के अलावा दुनिया भर में भी वैक्सीन बनाने का काम जारी है। फिलहाल WHO की लिस्ट में एस्ट्रोजेनेका ऑक्सफोर्ड, कैंसिनो, गमलेया इंस्टीट्यूट, जेंसेन फार्मा, सिनोवैक, सिनोफार्म, मॉडर्ना और फाइजर की 9 वैक्सीन शामिल हैं, जिनके जल्द ही बाजार में आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस खबर में इतना ही। बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।